it's a very popular song from Chalbaz, Na Jaane, which last time Shridevi ne perform kara tha is pe. So I think we're very fortunate to get the rights of this song. और बहुत ही exciting, sensual, fun, young shoot है ये, जिसमें चित्रांगदा, प्राची और मैं perform कर रहे हैं. So it's for my film आई मी और मैं. So I'm very excited about it. And Shridevi was a very good dancer. So how difficult are you finding dancing on the tunes? Well, I think very honestly, क्योंकि ये गाने में हमने थोड़ा बहुत change किया है. वहाँ पे रोज ना जाने कहाँ से आई है, इसमें ना जाने कहाँ से आया है. So but the conceptually Ahmed Khan has made the girls dance more. So isme you'll see more of Prachi and Chitrangada dancing. There is a little bit of dance for me, but it's more about who's that guy and where does he come from. So it's that feel. Co-stars, I think Chitrangada and Prachi both are amazing co-stars. They're good fun. Sound. And I don't need to be जो सॉन्ग था जो श्रीदेवी जी ने किया वाज वन ऑफ द बेस्ट पिक्चराइज सॉन्ग्स यू नो ऑफ दैट टाइम. तो उसको कीपिंग अप विद दैट एनर्जी वी आर ट्राइंग यस. लेकिन जैसे वो डांस करती थी, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट आई एम ट्राइंग टू डांस लाइक हर, बट आई थिंक जॉन नीड्स टू डांस लाइक श्रीदेवी बिकॉज़ उनके ऊपर गाना है. और हम लोगों ने इस गाने को लिया है, इसके सार को लिया है, लेकिन वी हैव ट्राई टू ओन इट कि हम लोग अपनी तरह से इसको प्रेजेंट करें. जैसे मैं कह रही थी, जॉन के ऊपर ये गाना फिल्म में बहुत अच्छी तरह से बैठता है, क्योंकि किसी के हाथ नहीं आएगा वो. उसका आई मी और मैं जो टाइटल है फिल्म का, वो एक ऐसे लड़के के बारे में है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और आई थिंक हम सब ऐसे लड़कों को जानते हैं. जो फिल्म का थीम है उसके साथ जाने के लिए, सो ऑफ कोर्स देयर इज जॉन एंड देन देयर इज चित्रांगदा एंड मी. आई थिंक द वे इट्स डन, हम लोगों को जिस तरह से इसमें हमारा लुक दिया गया है, एंड आई थिंक वी हैव वेरियस लुक्स इन दिस.